कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती और अब कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक के नए सीएम को लेकर मंथन भी शुरू हो गया है। फिलहाल कर्नाटक के सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सबसे आगे चल रहे हैं और यहां डीके शिवकुमार कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वहीं पूर्व सीएम सिद्धारमैया कर्नाटक के बड़े नेता माने जाते हैं। आज शाम 6 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक का जो भी नतीजा निकलेगा उस पर हाईकमान के साथ चर्चा की जाएगी और इस तमाम चिंतन मंथन और चर्चा के बाद सीएम के नाम पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, कर्नाटक के सीएम पर कांग्रेस में मंथन किया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी बताते चले कि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया को कांग्रेस सीएम बनाया जा सकता है, जबकि डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम और कई अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों का दावा यह भी है कि डीके शिवकुमार कांग्रेस आला कमान की बात मानने को तैयार भी हैं और आपको ये भी बताएं कि लेकिन वो साथ में कोई दूसरा डिप्टी सीएम अपने साथ नहीं चाहते हैं। और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है कि सिद्धारमैया को कांग्रेस अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो अब ऐसे में डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन उनकी इच्छा ये कि उनके अलावा कोई और दूसरा उप मुख्यमंत्री कर्नाटक में ना बनाया जाए। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ज्यादातर जो विधायक है वो सिद्धारमैया के पक्ष में है और उन्हें ही अब की बार मुख्यमंत्री बनाए जाने के फेवर में। वहीं सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर और आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, कर सकते हैं वो, और खड़गे आज बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली पहुंचने पर सोनिया गांधी से मुलाकात का भी कार्यक्रम है और कर्नाटक में सीएम पद और मंत्रिमंडल को लेकर दोनों के बीच चर्चा भी हो सकती है। कर्नाटक में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में पूरा गांधी परिवार भी शामिल हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, सोनिया गांधी से मिलने पहुंच सकते हैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे और इसको लेकर दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। और इस बीच खबर ये भी है कि सिद्धारमैया कांग्रेस विधायकों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। बेंगलुरु में खड़गे के सामने सिद्धारमैया सीएम पद की दावेदारी कर अपना पक्ष रख सकते हैं। खड़गे के दिल्ली रवाना होने से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के इंचार्ज एचके पाटिल भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक का सीएम हाईकमान की ओर से ही तय होगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सिद्धारमैया की मुलाकात इस वक्त हो रही है और एक तरह से वो अपनी दावेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने पेश कर रहे हैं। इसे एग्री नहीं करता हूँ, एक नाम चल रहे, दो नाम चल रहे, तीन नाम चल रहे, चार नाम चल रहे, ऐसी बात नहीं है। हमारा हाई कमांड जो बोलेगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। कर्नाटक के नए सीएम का ऐलान आज संभव हो सकता है। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है, ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, बेंगलुरु में विधायक दल की ये बैठक होगी और खास बात यह है कि सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया का नाम सबसे आगे चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात और ऐसे में माना यह जा रहा है कि सिद्धारमैया के साथ, जबकि तमाम और बहुत सारे विधायकों की मौजूदगी थी, उन्होंने सीएम पद पर अपनी दावेदारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने पेश की है और ऐसे में पूरे मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाते हुए, ताकि कहीं से भी किसी फूट की छवि बाहर ना जाए, इस तरीके से अब कदम कांग्रेस आगे बढ़ाती नजर आ रही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से सिद्धारमैया की यह मुलाकात बेहद खास है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज ही पार्टी के नेता पद का ऐलान हो सकता है, यानी जिसे सीएम चुना जाना है उसे लेकर अंतिम रूप दिया जा सकता है और फिर उसके बाद शपथ ग्रहण, जिसमें कि पूरा गांधी परिवार भी वहां मौजूद रह सकता है। जहां एक तरफ सिद्धारमैया मल्लिकार्जुन खड़गे से यानी कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिले हैं, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली रवाना हो सकते हैं, वो सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और ये मुलाकात मंत्रिमंडल और किसको सीएम बनाया जाए, किसको डिप्टी सीएम बनाया जाए, इस पर बातचीत हो सकती है। सीएम की रेस में हालांकि सिद्धारमैया का नाम सबसे आगे चल रहा है और वो तमाम नवनिर्वाचित विधायकों के साथ खड़गे के घर भी पहुंचे थे। वहीं डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और इसको लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डीके शिवकुमार तैयार भी है डिप्टी सीएम बनने
करने को, लेकिन शायद उनकी शर्त यह है कि कोई और डिप्टी सीएम नहीं होगा। देखिए कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि किसी भी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, बिना किसी तकरार के कर्नाटक में सीएम बना दिया जाए। जहां पर इनका घर है, इस तरीके के कुछ होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं, थैंक यू कर्नाटका और हैप्पी बर्थडे डीके शिवकुमार हम पढ़ पा रहे हैं। सर क्या होर्डिंग में लिखा है अगर आप बता पाए? होर्डिंग में डीके शिवकुमार जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं और विश किया कि हमारे आगे आने वाले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी हों। अच्छा, तो आप लोग भी डीके शिवकुमार से मिलने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी यही चाहते हैं? हम भी उनके सपोर्टर, समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं और आज 25 साल से उनके साथ में हैं और हम चाहते हैं कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो सुबह से घर पे पहुंच रहे हैं और यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि जहाँ हमारी मौजूदगी है ये उनके घर है, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये दोनों उनके घर हैं। यहाँ पर लगातार जो सपोर्टर्स हैं उनका आना बना हुआ है और यहाँ आप देखें कि जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव जो है वो इनकी अध्यक्षता में लड़े गए हैं, ये घर का आपको यहाँ पर नेम बोर्ड भी नजर आ रहा है। जो सपोर्टर्स यहाँ पर आए हैं वो कह रहे हैं कि जो बातें होर्डिंग में, आप देखें जरा होर्डिंग हर जगह आपको लगी हुई नजर आ रही है, तो जो सपोर्टर यहाँ आए हैं वो कह रहे हैं कि जो होर्डिंग में लिखा है वो इस बात से 100% सहमत है और वो चाहते हैं कि डीके शिवकुमार ही अगले मुख्यमंत्री बने। और ऐसे में एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक में सीएम पद की रस्साकशी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे ने सीएम पद पर कांग्रेस हाईकमान का फैसला आखिरी होगा ये बात कही है। और ये एक बड़ी बात भी है, जिस तरीके से लगातार कई आशंकाएं कि क्या यहां पर डीके शिवकुमार, जिनकी अध्यक्षता में ही प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और एक बड़ी जीत दर्ज की और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले कांग्रेस के विधायक भी बने, ऐसे में क्या उनकी दावेदारी सबसे बड़ी बनती थी? लेकिन अब जबकि सीएम पद की रेस में सिद्धरमैया का नाम सबसे आगे चल रहा है, डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सिद्धरमैया की मुलाकात इस वक्त कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हो रही है, ऐसे में अब शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरी गतिविधि को आगे बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की। प्रियंक खड़गे साहब, पहले तो आपको बधाई, लेकिन सवाल वही पूछ रहा है पूरा कर्नाटक और पूरा देश, इतनी बड़ी जीत के बाद कर्नाटक का नेतृत्व कौन करेगा, कांग्रेस से कौन होगा सीएम का चेहरा? देखिए अभी तो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी बैठेगी, आज शाम को उधर चर्चा होगी और जो भी हमारे एमएलए तैयार करेंगे वो हाईकमांड से ऑब्जर्वर्स भी आ रहे हैं, शायद आज रात को या कल उनके सामने अपनी बात रखेंगे, उसके बाद जो भी हाईकमांड डिसीजन लेगा उस पर सब लोग स्टैंड लेंगे। जो भी हाईकमांड डिसीजन लेगा आप लोग स्टैंड लेंगे। दो नाम बहुत प्रबल तौर पर आ रहे हैं जो सामने आ रहे हैं, होने को तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सिद्धारमैया जी क्योंकि पूर्व सीएम रह चुके हैं और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार, इन दो नामों में से ही कोई होगा या कोई तीसरा चेहरा भी आ सकता है? देखिए हमारे यहाँ की डेप्थ ऑफ लीडरशिप जो हम बोलते हैं बहुत है कांग्रेस में, खासकर कर्नाटक में। जैसे आपने बोला कि ये दो हमारे फ्रंट रनर्स है क्योंकि एक पीसीसी प्रेसिडेंट है, बाय डिफॉल्ट लेजिटिमेट क्लेम उनका भी रहता है, जो कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर है उनका भी लेजिटिमेट क्लेम रहता है, जो भी रहने दीजिए इरेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन बिकॉज ऑफ द पोजिशन बिकॉज ऑफ द डेजिग्नेशन उनका लेजिटिमेट क्लेम है, तो जो भी है हाईकमांड तय करेंगे कि कौन होगा।